हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मां तारा। मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री, आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, माता भगवती की कृपा आप सभी पर बना रहे, मैं यही मंगल कामना करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही अचूक और खास चीजें मैं बताने जा रहा हूं और बहुत ही सरल तरीके से आप उसे कर सकते हैं। क्या है वो अचूक उपाय आज मैं बता रहा हूं। सिर्फ एक मुर्गी के अंडे से आप अपने किस्मत को चमका सकते हैं, सिर्फ एक मुर्गी के अंडे से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, सिर्फ एक मुर्गी के अंडे से आपको हर प्रकार की कष्ट का निवारण हो सकता है। वो कैसे आप कीजिएगा, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे वीडियो में नए आए होंगे या मेरे चैनल में नए आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि सर्वप्रथम आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक मुर्गी के अंडे से किस्मत कैसे चमका सकते हैं, भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखते होंगे कि कोई भी काम आप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपको किस्मत साथ नहीं देता है। कभी कभी भाग्य में आपको सफलता नहीं मिल पाता है, प्रयास करने के बावजूद भी सारा प्रयास आपका विफल हो जाता है और आप हाथ पर हाथ धर करके आप रोते रहते हैं कि सारे मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रहा है। आपको सर्वप्रथम ये जानकारी प्राप्त करना होगा कि आपका किस्मत क्यों खराब हो रहा है, आपका किस्मत में क्या ऐसा दोष है जिसके चलते आपका परेशानी हो रहा है। अगर आपके भाग्य स्थान में पाप ग्रह, अगर राहु, शनि या केतु अगर विराजमान होते हैं, अगर उसकी स्थिति अगर अच्छा नहीं होता, ग्रह के चाल अगर अच्छा नहीं होता है, गोचरीय प्रभाव आपका अच्छा नहीं होता है, तो आपका किस्मत साथ नहीं देता है। किसी भी काम में आपका असफलता हासिल होता है, आप चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे कारोबार के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में आपको विफलता हाथ लगता है। लेकिन आप इससे कैसे दूर कर सकते हैं, क्या इसका तरीका है, तो मैं एक खोज और बहुत ही तकनीकी अपनाया वो ट्रिक मैं आपको घरेलू तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। उसे आप जरूर प्रयास कीजिएगा, उसे आप करिएगा तो निश्चित तौर से आपका किस्मत चमकेगा, ये माता भगवती की कृपा आप पर बनेगी। क्या है वो ट्रिक, क्या है टोटका, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सर्वप्रथम एक काम कीजिएगा, एक देसी मुर्गी, घरेलू देसी मुर्गी, या कि आपका फार्मिंग वाला नहीं, जिस मुर्गी के अंडा सा आपका बच्चा हो, जिस मुर्गी के अंडे से आपको बच्चा प्राप्त हो, तो ऐसे अंडा को आपको एक तो प्राप्त करना है, मुर्गी के अंडे। अब उस अंडे को एक काम कीजिएगा, किसी भी ऊनी कपड़ा या कोई भी गर्म कपड़ा, चाहे आपका कंबल हो, चाहे ऊनी का कोई कपड़ा हो, उस कपड़े पर उस अंडे को आप लपेट करके रखिएगा। एक सप्ताह, 10 दिन जब लपेट करके रखिएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा का हीट देना पड़ेगा, तो उस कपड़े हीट, गर्म कपड़ा है तो गर्म कपड़ा को आप जो है किसी भी घर में थोड़ा सा बिचाली ले करके और गर्म कपड़ा में लपेट करके उस अंडे को आप जो है रख दीजिएगा घर में किसी एकांत जगह पर। उसके बाद देखिएगा कि 8 दिन 10 दिन के अंदर में उससे बच्चा निकलेगा। जब बच्चा निकलेगा तो आप एक काम कीजिएगा, उस बच्चे का चोंच को काट लीजिएगा चाकू से या कैंची से किसी से, तो उस बच्चे का चोंच को आपको काट लेना है। काटने के बाद आप क्या करिएगा, शनिवार के दिन में या मंगलवार के दिन में आप एक चांदी का या सोने का या तांबे का एक ताबीज लाइएगा, उस ताबीज में उस चोंच को डाल दीजिएगा और उसमें थोड़े सा पीली राय डाल करके उसको मोम से उसकी मुंह को बंद कर देना है। और उसके बाद अगरबत्ती वगैरह दिखा करके जो भी आपका इष्ट देवता है उनकी स्मरण करने के बाद उसको आप लाल धागे के सहारे या लाल, नीला और पीला, ये 3 कलर के धागे के सहारे में आप गला में या बाजू में उसे धारण कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि 48 घंटा के बाद से आप कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा और काम में सफलता आपको मिलेगा। एक मैं और उपाय बताता हूं कि देसी मुर्गा लीजिएगा और देसी मुर्गा को जब आप काटिएगा तो उसका पेट से देखिएगा
सफेद रंग का और पीला रंग का थोड़ा थोड़ा दो चार दाना आपको पत्थर निकलता है स्टोन, तो वो पीला वाला पत्थर जो है उसे आप प्राप्त कीजिएगा, सफेद वाला पत्थर को फेंक दीजिएगा। तो वो पीला वाला पत्थर को भी आप ताबीज में डाल करके और उसमें थोड़ा सा पीली राय डाल करके अगर उसे आप गला में या बाजू में नीली धागा के सहारे अगर आप उसे धारण कर लेते हैं तो आपका किस्मत चमत्कारिक रूप से साथ देने लगेगा और आपको सफलता मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपका दुर्भाग्य आपको पीछा नहीं छोड़ता है, हमेशा बैड लक होता है, कोई भी काम करते हैं बचपन से लेकर उम्र बीत जाता है आपको काम में सफलता नहीं मिल पाता है, उस दरमियान क्या कीजिएगा, प्रत्येक साल के आपका श्रावण महीना में आपको जो प्रथम जो बारिश होगा, सावन महीना का जो प्रथम बारिश आपको जो वर्षा होगी, उस वर्षा में आपको खूब भींगना है और इंजॉय करना है, और उस वर्षा में भींग करके आप एक घंटा दो घंटा जितना देर तक बारिश हो आप भींग लीजिएगा। और इतना करने से ही क्या होगा, प्रत्येक साल अगर आप करते हैं तो आपका किस्मत साथ देने लगेगा, आपका भाग्य साथ देने लगेगा और आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। ये मैं आपको सरल और आसान और घरेलू उपाय मैं बताया हूं, इसे आप जरूर कीजिए और 100% जो है आपको लाभ मिलेगा। यही मैं माता रानी से विनती करता हूं और आपकी मनोकामना के लिए मैं कामना करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मा तारा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा।